हेलो हेलो बेटे, कैन यू हेयर माय वॉइस? ओके, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। सो बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट। अभी हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट। बर्ट्रेंड रसल का लिखा हुआ चैप्टर है। बर्ट्रेंड रसल वॉज अ सोशलिस्ट एंड ही रोड बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पर भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका इसके नाम से इनकी एक बुक है। इसके अलावा जो है वो सोसाइटी पर जो है, एथिक्स पर, इखलाकियात पर इन्होंने किताबें लिखी हैं। स्पेशली द टाइम व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, जब दूसरी जंग अजीम हुई थी तो उसके बाद से जो है वो इन्होंने ही हैड फेवर्ड ईस्टर्न कंट्रीज, मशरिकी जो ममालिक थे उनको बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने सपोर्ट किया। और ये जो चैप्टर है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, ये इसी तनाजुर में लिखा गया है कि मशरिक अब जो है वो बेदार हो रहा है, मशरिक जो है वो तरक्की कर रहा है। सो रिफ्लेक्शंस हियर मींस व्यूज ऑफ द ऑथर ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट। रिफ्लेक्शन के कई मतलब होते हैं। एक तो साइंटिफिक वे में रिफ्लेक्शन इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब होता है डेविएट हो जाना लाइट का, रोशनी का जो है वो मुनहरिफ हो जाना। लेकिन अगर हम लिटरेरी टर्म्स में, अगर हम लिटरेचर में, अंग्रेजी जबान में कभी वर्ड रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है तासुरात या आपके व्यूज। जैसे यूजुअली जब हम ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, हमें क्लास में कहा जाता है कि आप लेक्चर देने के बाद ना अपने रिफ्लेक्शंस लिख दीजिएगा। यहाँ रिफ्लेक्शन से मतलब है कि अपने व्यूज लिख दीजिएगा, व्हाट वाज द बेटर पार्ट एंड व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट एंड हाउ कैन यू मेक इट बेटर इन द नेक्स्ट टाइम। तो इस तरह जब हम एक जो है एनालिसिस पेश करते हैं उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, इसका मफहूम ये हुआ बर्ट्रेंड रसल के तासुरात मशरिक की बेदारी पर। ये जो मशरिक की ममालिक हैं अब ये बेदार हो गए हैं, ये तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, और उस पर जो है वो बर्ट्रेंड रसल क्या फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उन्होंने अपने व्यूज दे दिए हैं। मे बी वी अग्री विद दीज व्यूज और वी मे डिफर। ऐसा हो सकता है कि हम इनके व्यूज से जो है वो पॉजिटिव रहें, उससे जो है वो हम पॉजिटिवनेस शो करें, या फिर उससे जो है वो इख्तिलाफ करें। बट दीज आर हिज ओन व्यूज, ये उनके अपने व्यूज हैं। क्या कहते हैं, द रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इनोमस मूवमेंट्स दैट कैन ओनली बी प्रॉपर अंडरस्टूड व्हेन व्यूड इन अ वाइड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जो मशरिक की बेदारी है ये उन तमाम बड़ी तहरीकों में से है जो सिर्फ उस वक्त समझी जा सकती हैं जब इसको तारीखी हवाले से देखा जाए, इसको तारीखी नजरिए से देखा जाए। Alternations of power between East and West have occurred throughout the last 2000 years and more. ऐसा हुआ है कि जो ताकत है ये शिफ्ट होती रही, मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक, कभी मशरिक डोमिनेंट हो जाते कभी मगरिब डोमिनेंट हो जाते, और इसी जो है वो ताकत के उतार चढ़ाव में इट टुक प्रोबेबली 2000 years, तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं। इन द अर्लीस्ट हिस्ट्री, अगर आप तारीख देखें इब्तिदा की, द ईस्ट प्रीडोमिनेटेड, ऐसा लगता था कि मशरिक के लोग पहले से तहजीब याफ्ता थे। इट वॉज बोथ मोर सिविलाइज्ड एंड मोर पावरफुल देन द वेस्ट, कि इब्तिदा में मशरिक के लोग ज्यादा तहजीब याफ्ता थे और ज्यादा ताकतवर थे मगरिब से। द वेस्ट हाउएवर एक्वायर्ड द लीड इन सिविलाइजेशन विद द राइज ऑफ ग्रीस। जब ग्रीस के ममालिक ने तरक्की करना शुरू की, ग्रीस एक कंट्री है, उसने तरक्की शुरू की और उसकी तहजीब आगे बढ़ी, तो मगरबी दुनिया को सबकत मिलने लगी। दे स्टार्टेड एक्वायरिंग लीड इन सिविलाइजेशन एंड इन पावर विद द कॉन्केस्ट ऑफ एलेक्जेंडर। जब एलेक्जेंडर द ग्रेट आया और उसने जो है वो ग्रीक्स के बहुत सारे कंट्रीज को फतेहयाब किया, तो उसके साथ साथ मगरब को जो है वो मिलिट्री पावर भी मिलने लगी, यानी तहजीब में भी वो आगे होने लगे और ताकत में भी वो आगे होने लगे। फ्रॉम दैट टाइम अंटिल द फॉल ऑफ रोम, दैट इज टू से फॉर 7 or 8 centuries, द वेस्ट वॉज डोमिनेंट बोथ इन पावर और इन कल्चर। अब उस वक्त से लेकर रोम के जवाल तक, रोमन एम्पायर के जवाल तक, तकरीबन 700 से 800 साल तक मगरब की हुक्मरानी रही, जो तहजीब में भी और ताकत में भी। It lost this position through the wars between Romans and Germans. जब रोम की और जर्मन्स की लड़ाइयाँ हुई तो मगरिब ने अपनी ताकत खो दी। The Germans succeeded in destroying Roman power, but not in leadership, in power and culture passed to the East.
very large parts of what had been the Roman Empire were conquered by Islam, which in the greatest days of the Caliphate had an empire considerably larger than that of Rome in its greatest days. और फिर उसके बाद जर्मनी से जो लड़ाइयाँ हुई उसमें जो है वो जर्मनी को फतह हासिल हुई, लेकिन रोमन एम्पायर अभी भी बाकी थी, उसको इतना ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं हुआ. लेकिन जब मुसलमानों के कैलिफ्स आए और उन्होंने फतूहात का सिलसिला शुरू किया, तो मुसलमानों की जो एम्पायर थी, मुसलमानों की जो सल्तनत थी, वो बहुत वसी और अरीज पैमाने पर फैल गई. जब इस्लाम आया मगरबी दुनिया में, मतलब जो है वो अरब में, ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में, तो ईस्ट के ममालिक में जो है वो इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हो गया. और फिर बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जो मुसलमानों ने फतह किए. और जब मुसलमानों की सल्तनत थी, यानी हमारे खलीफा दोम थे हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके दौर में मुसलमानों की सल्तनत इतनी वसी थी, इतने बड़े रकबे पर मुसलमान जो है वो काबिज थे, उनकी हुक्मरानी थी कि जैसे ये पाकिस्तान जैसे 30 कंट्रीज लगा लें इस जो है वो आपके जो है वो टेरिटरी के, इस जो है वो रकबे के तकरीबन 30 ममालिक लगा लें, इतनी बड़ी जो है वो मुसलमानों की सल्तनत थी जिस पर हज़रत उमर फारूक रदिल्लाहु ताला अन्हु जो है वो हुक्मरानी किया करते थे, और उन्होंने बाकायदा गवर्नर्स जो है वो अपॉइंट किए हुए थे. दैट वॉज द ग्लोरियस एज फॉर मुस्लिम्स. वो मुसलमानों का एक बड़ा अहम पीरियड था, और ईस्ट ने भी उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की. मशरक़ में ही आता था वो सारा जो है, आपके जो सऊदी अरब के ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, ये मिडिल ईस्ट में आते हैं. तो ईस्टर्न कंट्रीज दे स्टार्टेड डेवलपिंग. उस वक्त जो है वो मुसलमानों की सल्तनत जो रोमन एम्पायर से भी बड़ी थी खलीफाओं के दौर में, द चाइनीज एम्पायर ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ सैंग डायनेस्टी वॉज इक्वली ग्लोरियस एंड मोस्ट इक्वली एक्सटेंसिव. इसके अलावा एक तो मुसलमानों की सल्तनत बढ़ती जा रही थी, दूसरा चाइना में सैंग डायनेस्टी एक सल्तनत कायम थी, बादशाही निज़ाम कायम था, जो बहुत ही ज़्यादा तहजीब याफ्ता समझा जाता था. तो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था कि जो बहुत एक्सटेंसिव था, कि एक तो मुसलमानों की जो स्ट्रेटजीज हैं, मुसलमानों की सल्तनत है, और उसके अलावा जो चाइना है इसकी भी जो है वो बहुत बड़ी रियासत थी. द सुपरमेसी ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली मिलिट्री बट साइंस फिलोसफी पोइट्री एंड द आर्ट्स ऑल्सो फ्लोरिश इन चाइना एंड द मोहम्मदन वर्ल्ड एट अ टाइम व्हेन यूरोप वाज संक इन बारबरिज्म. अब अगर आप इस पर जो है वो गौर करें तो मुसलमानों की, यानी वो जो एशिया के लोग थे जिसमें मुसलमान भी शामिल थे और चाइना भी शामिल था, मुस्लिम कंट्रीज भी थे और चाइनीज भी थे, इनकी सल्तनत इतनी ज़्यादा बड़ी थी और उसकी सुपरमेसी सिर्फ मिलिट्री नहीं थी. यानी ऐसा नहीं था कि सिर्फ फौज में एशिया के लोग आगे हों या जंग लड़ने में. दो मुस्लिम्स ऐसा था कि मुस्लिम्स वर वेरी गुड वॉरियर्स, मुसलमानों में बहुत अच्छे वॉरियर्स थे, बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडर्स थे, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि कमांडर ही थे और जंग के बलबूते पर ही हमने फतूहात हासिल की. वी वर एक्सीलिंग इन साइंस एज वेल. हमारे पास बेहतरीन साइंटिस्ट मौजूद थे, फिलोसोफर मौजूद थे, हमारे पास बेहतरीन पोइट्स थे, आर्ट्स फ्लोरिश कर रहा था. ये सब कहाँ पर था? चाइना में और मोहम्मदन वर्ल्ड में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात लेकर आए थे, जिस जिस जगह पर वो तालीमात फैल रही थी, वो जगह जो है वो तरक्की याफ्ता होती जा रही थी, वहाँ साइंस फिलोसफी पोइट्री और आर्ट फ्लोरिश कर रहे थे. मुसलमान साइंटिस्ट अगर आप पढ़ेंगे ना, तो इब्तिदा के दौर में 16 सेंचुरी से पहले पहले बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारी रिवोल्यूशनरी थ्योरीज पेश की, उन थ्योरीज को बेस बनाकर यूरोप ने तरक्की करना शुरू की. तो मोहम्मदन वर्ल्ड के बाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात लोगों को पहुंचाई, उसकी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट फिलोसोफर पोइट्री, और अरब के लोग तो वैसे ही एलोक्वेंट होते थे लैंग्वेज में, पोइट्री और आर्ट तो उनका खासा थी, मतलब वो शायर तो बहुत अच्छे होते थे. अरब की लैंग्वेज में वो अपने आप को, वो लोग अरबिक और पूरी दुनिया को अजमी कहते थे. मीन्स दे वर द पीपल हु कुड स्पीक एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज डम. वो सिर्फ वो अपने आप को अरबी कहते थे कि हम बोल सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया अजमी है, दुनिया को तो बोलना नहीं आता, क्योंकि अरबिक जबान जो है वो बहुत वसी थी. सिर्फ ऊंट को बोलने के लिए वो लोग 70 से ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं. सो देयर पोइट्री, ऐसे अजीम शायर उनके पास मौजूद थे कि एक लफ्ज एक दफा कह देते तो कई हफ्तों तक उस लफ्ज को इस्तेमाल ना करते थे, और उनका जो है वो कोई सानी नहीं मिलता, मतलब उनके पैरेलल कोई शायर नहीं है. इवन टुडे, आज भी उस जैसे जैसे अरब में शोरा कराम आते थे वैसे शायर नहीं. अरब में ऐसे शायर भी आए हैं, उन्होंने अपनी शायरी से अपने कातिलों को गिरफ्तार करवा दिया. सो
poetry. They excelled in poetry. They excelled in artwork. They were great philosopher. They had great scientist. ये सब कहाँ था? मुसलमानों में और मोहम्मदन वर्ल्ड में और चाइना में. At a time when Europe was sunk in barbarism. ये उस वक्त था जब यूरोप बारबरिज्म में, वहशियानापन में, दरिंदगी में मुलव्वस था. वहां पर जहालत का अंधेरा था. Europeans with unpardonable insularity call this period the dark ages. यूरोप के लोग इस वक्त को भूल नहीं सकते. वो वक्त उन्हें याद है. आज भी वो उसको ज़माने जाहिलियत कहते हैं अपने लिए. That it was the dark age. हम बड़े अंधेरे में थे. हम गुमराही में थे उस वक्त जब एशिया में, मिडिल ईस्ट में, चाइना में और मोहम्मदन वर्ल्ड में जो है वो उजाला फैला हुआ था. बट इट वॉज ओनली इन यूरोप दैट इट वॉज डार्क इन डीप, ओनली इन क्रिश्चियन यूरोप. लेकिन वो जो डार्कनेस थी, वो जो गुमराही थी, वो जो जहाँ पर जो है वो अंधेरा फैला हुआ था, वो क्रिश्चियन यूरोप था. यूरोप के ही कुछ कंट्रीज थे जैसे स्पेन, विच वॉज मोहम्मदन, हैड अ ब्रिलियंट कल्चर. स्पेन को फतह कर लिया गया था और वहां पर मुसलमानों का कल्चर था, सो इट वॉज ब्रिलियंट. द वेस्टर्न वर्ल्ड हाउएवर ग्रेजुअली क्लाइम्ड आउट ऑफ द एबिस ऑफ बारबरिज्म. लेकिन फिर उसके बाद मगरबी दुनिया धीरे धीरे करके इस गढ़े से, एबिस मीन्स होल और दैट इज अ पैच और डिच, उसको गढ़ा भी कह सकते हैं, कि जहालत की गुमराही से, जहालत के गढ़े से मगरबी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ गई. Columbus and Vasco da Gama were the pioneers of the new Western imperialism. अब दो बड़ी मशहूर जो है वो शख्सियात थी, एक तो कोलम्बस था और वास्को डे गामा था. ये वेस्टर्न imperialism, imperialism सल्तनत को कहते हैं, सल्तनत के फैलाव को, जो सल्तनतें बढ़ती चली जाती हैं. सो मगरबी सल्तनत को बढ़ाने वाले और इसको जो है वो डिस्कवर करने वाले बहुत सारी जगहों को कोलम्बस और वास्को डे गामा थे. And scientific techniques was its main weapon. और उन्होंने तरक्की किस तरह की? उन्होंने साइंस की बदौलत तरक्की की. साइंटिफिक टेक्निक्स उनकी जो है ना वो बड़ी अहम होती थी. उनका हथियार था साइंस. साइंस को उन्होंने इतनी तरक्की दी, हर चीज़ में साइंस का इस्तेमाल किया. आज मगरबी दुनिया को देख लें कि वो मगरबी दुनिया कहाँ पहुँच गई, हमसे वो साइंस और टेक्नोलॉजी में कितने आगे. The East, which had led the world in science before the rise of Greece and after the fall of Rome, was completely outdistanced by the West from the beginning of the 16th century onwards. अब फिर उसके बाद मशरिक जो बहुत आगे था साइंस में, फिलॉसफी में, जो आर्ट में, कल्चर में, हर चीज में आगे था. लेकिन अब जब से मगरिब के ये दो लोग, वास्को डे गामा, कोलंबस, इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को दुनिया में जो है वो प्रमोट किया और उसको अपना वेपन बनाया, इतनी आगे निकल गए कि 16th सेंचुरी के बाद से वेस्टर्न वर्ल्ड फिर से डोमिनेंट होना शुरू हो गया. 16वीं सदी के बाद से कोई बड़ा मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो नहीं आया. फिर हमने पॉपकॉर्न का ठेला लगा लिया, वॉल्स का ठेला लगा लिया, फिर हमने इजी लोड की दुकान खोल ली, फिर हम यही काम करने लग गए. फिर साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ना उसमें हम पीछे रह गए, मशरिक के लोग. 16th सेंचुरी के बाद से Western conquest or at the very least Western influence became dominant throughout the world. फिर मगरबी फतुहात का सिलसिला शुरू हो गया, या फिर यूं कहा जाए कि मगरबी असर रसूख पूरी दुनिया पर कायम होना शुरू हो गया. लोगों पर मगरब के असरात नजर आने लगे ममालिक पर. He says, when I was young, everybody in the West accepted this domination as a matter of course and as something likely to continue indefinitely. कहते हैं जब मैं छोटा सा था, अब मुसन्निफ अपनी बात बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कि जब मैं छोटा सा था तो मगरिब में हर शख्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था. सब ये समझते थे कि यकीनन अब हम डोमिनेंट ही रहेंगे, अब हमारी बढ़तरी कायम और दायम ही रहेगी, हम साइंस में बहुत आगे निकल गए हैं, हम कल्चर में बहुत आगे निकल गए हैं, हम जो है वो बस अब वेस्टर्न वर्ल्ड को हमने जो है वो ओवर पावर कर लिया. In this expectation, as everyone can see now, the West was mistaken. और चूंकि उनके ख्यालात ऐसे हो गए थे, तकबर उनमें आ गया था कि बस अब हम तो डोमिनेंट हैं और डोमिनेंट ही रहेंगे, बस ये गलती मगरिब ने कर दी थी. फिर क्या हुआ? Once again at the time of the fall of Rome, wars between Germans and other Occidentals. फिर जब रोम को शिकस्त हुई और जंगें शुरू हुई जर्मन्स में और मगरबी दुनिया के ममालिक में,
यानी वर्ल्ड वॉर हो गई. सो इट इनफीबल्ड यूरोप. यूरोप जो है उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा. देयर इट वाज नो लॉन्गर एबल टू होल्ड एशिया इन सब्जेक्शन. इतना नुकसान उठाना पड़ा कि वो एशिया के वो हिस्से जहां पर मगरबी दुनिया का कब्जा था, जहां पर मगरबी लोगों की हुकूमत थी, मजबूरन वो भी उनको छोड़नी पड़ी. जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हुआ 1947 में, सब कॉन्टिनेंट को आज़ादी देनी पड़ी. इंडिया और पाकिस्तान दो अलहदा अलहदा मुल्क बनाने पड़े. सो दे हैड टू गो अवे. उनका एक इन्फ्लुएंस था यहाँ पर, उनका एक असर व रसूख था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद वो असर व रसूख खत्म हो गया. इट इज़ नाउ यूरोप हुज़ फ्रीडम इज थ्रेटन्ड बाय द लाइंस ऑफ मॉस्को विद पेकिंग. आज ये यूरोप ही है जिसकी आज़ादी को खतरा है. अगर मॉस्को और पेकिंग का इल्हाक हो जाता है, ये दोनों ताकतें मिल जाती हैं. मॉस्को इज कैपिटल ऑफ रशिया. मॉस्को रशिया का कैपिटल है, और जबकि पेकिंग इट्स द ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग. चाइना का कैपिटल समझ लें आप इसको. पहले इसका नाम पेकिंग था, लेकिन अब इसका नाम जो है वो बीजिंग है. बीजिंग चाइना का कैपिटल है, इसका ओल्ड नाम पेकिंग था. तो अब यूरोप को भी खतरा है, इनके अलायंस है कि कहीं रशिया और चाइना ये दोनों आपस में बड़ी ताकतें ना मिल जाएं और हमारी आज़ादी को खतरा हो. दिस इज अ न्यू फैक्ट विच आई थिंक दैट इवन एशिया हैज़ नॉट एडिक्वेटली रियलाइज्ड. ये एक हकीकत है. और मुसन्निफ कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अभी एशिया के लोगों ने भी इसको मुकम्मल तौर पर मुनासिब तरीके से महसूस नहीं किया. फॉर सेंचुरीज एशिया हैज़ सफर्ड अंडर द इंसोलेंस ऑफ द वाइट मैन. सदियों से एशिया में गोरे लोगों ने बड़े जुल्म सितम किए हैं. हार्श बिहेवियर, बहुत गलत बिहेवियर रखा है लोगों के साथ. इंसल्टिंग बिहेवियर, इंसोलेंस का मतलब होता है बेइज्जती वाला बर्ताव. कि सदियों से एशिया के लोगों पर गोरे लोगों ने यानी अंग्रेजों ने बहुत खराब बर्ताव किया. आई हैव माइसेल्फ सीन दिस इंसोलेंस डिस्प्लेड इन वेज दैट मेड माई ब्लड बॉयल एंड दैट इफ आई हैड बीन एन एशियन एंड नॉट अ यूरोपियन वुड हैव रोज़्ड मी टू फ्यूरी. कहते हैं कई मौाकों पर तो मैंने खुद महसूस किया कि अंग्रेजों ने इतना बुरा सलूक किया एशिया के लोगों के साथ. अगर मैं भी एशियन होता तो मेरा भी खून खोल जाता, मुझे भी गुस्सा आ जाता कि वो तो अपने आप को आका समझते थे और जो एशियन थे उन सबको गुलाम समझने लगे थे. एशिया में तमाम लोगों के साथ उनका रवैया ये था, मुसलमानों के साथ भी, हिंदुओं के साथ भी, सिखों के साथ भी, तो वो अपने आप को आका समझते थे. तो अब अगर इस तरह से वो डोमिनेंट होना चाह रहे थे तो इससे जो है वो एक एंगर की फिजा फ्यूरी गुस्से की फिजा जो है ना वो कायम हो गई थी. दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन हैज नेचुरली प्रोड्यूस्ड अ मूड ऑफ रेजिस्टेंस. काफी अरसे तक ये जुल्म सितम एशिया के लोगों पर होता रहा, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों में रेजिस्टेंस पावर आ गई, लोगों में कुव्वत बर्दाश्त आई, और फिर उसके बाद मुजाहमत, वो उसके खिलाफ मुजाहमत करने लगे, उस जुल्म सितम के खिलाफ खड़े होने लगे. एंड एज ऑलवेज हैपेंस इन सच केसेस देयर इज अ डेंजर लेस्ट द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस शुड बिकम अ डिजायर फॉर कॉन्क्वेस्ट. फिर ऐसे मौाकों पर तो ये खतरा ही रहता है कि कहीं कोई जंग आज़ादी ना शुरू हो जाए, कहीं ये लोग अपने हुकूक की बात ना करने लगें, कहीं ये लोग अपने हुकूक के लिए लड़ने ना लगें फतह के लिए. और फिर वही हुआ, एशिया में कौमें उठ गईं, एशिया में जो है वो पार्टीज बनना शुरू हो गईं. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, पहले तो कांग्रेस बनी. कांग्रेस ने भी यही मकसद उठाया कि भाई अंग्रेजों को चले जाना चाहिए, उनका राइट नहीं है, वो बड़े जुल्म सितम कर रहे हैं. फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई, और फिर दोनों ने मिलकर कोशिशें की. एंड फाइनली पीपल, इंग्लिश पीपल, दे हैड टू गो. वो जो वेस्टर्न जो है वो एक डोमिनेंसी थी वो खत्म हो गई उनकी. सो देयर आर इट्स ट्रू सम रेमिनेंट्स ऑफ व्हाइट इंपीरियलिज्म टू बी स्वेप्ट अवे. लेकिन आज भी कुछ बाकियात मौजूद हैं. जो अंग्रेज हैं उनकी सल्तनत की कुछ ऐसी बाकियात हैं जो ख़त्म हो जानी चाहिए. ये 1954 में ये चैप्टर लिखा गया था, 1954 में. उस वक्त तक जो है वो इंडिया में, इंडो चाइना में और मलेशिया में कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर वेस्टर्न का कब्ज़ा था, और वो इन इलाकों से बेनिफिट हासिल करना चाहते थे. तो उस हिस्ट्री को इन्होंने बताया कि द फ्रेंच आर रिलक्टेंट टू अबैंडन देयर क्लेम्स टू इंडो चाइना. फ्रांस के लोग चाहते हैं कि वो कुछ हिस्से जो इंडो चाइना के हैं वो उनके हिस्से में आ जाएं. द ब्रिटिश क्लिंग टू मलाया.
बर्तानिया के लोग मलेशिया से चिपटे हुए हैं, कुछ जगहों पर काबिज होना चाहते हैं, स्टिल होप टू साल्वेज समथिंग इन वेस्टर्न एशिया, वो अभी भी वेस्टर्न एशिया में अपने कदम जमाना चाहते हैं, कुछ उससे हासिल करना चाहते हैं, एंड इजिप्ट एंड सूडान, वो चाहते हैं कि इजिप्ट में और सूडान में भी जो है वो उन्हें कुछ हिस्सा मिल जाए। ये 1954 की बात है जब वो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इस तरह की इंपेरियलिज्म किया करते थे, वो मालिक पर कब्जा किया करते थे। बट इन अ लार्ज व्यू इट इज क्लियर दैट व्हाट रिमेंस ऑफ यूरोपियन पावर इन एशिया इज डूम्ड। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि जो यूरोपियंस की जो है ना वो ताकत है, जो यूरोपियन का एशिया में असर रसूख है, वो कमजोर पड़ गया। नो वन कैन सीरियसली सपोज दैट वेस्टर्न यूरोप कैन लॉन्ग रिटेन सच रेट्स ऑफ पावर एज रिमेंस टू इट इन एशिया। आज कोई भी इस चीज पर यकीन नहीं कर सकता कि आने वाले वक्तों में मगरबी दुनिया फिर से ऐसे काबिज हो जाएगी जैसे एशिया में थी, जैसे सब कॉन्टिनेंट पे उनकी हुक्मरानी थी। 90 साल से ज्यादा उन्होंने बर्रे सगीर पर हुक्मरानी कर ली, लेकिन आजकल के दौर में उनका असर रसूख, उनकी पावर और वो उनका जो है वो अथॉरिटी, दैट हैज बीन डूम्ड। अब वो बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। नॉर डज इट सीम प्रोबेबल दैट अमेरिकन इंपीरियलिज्म विल बी एबल टू रिप्लेस दैट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ना ही अमेरिकन इंपेरियलिज्म, ना ही अमेरिका से एशिया के लोगों को कोई खतरा है। अमेरिका भी जो है वो दैट इज सपोर्टिव, अब तो जो है वो उसके ताल्लुकात एशियन कंट्रीज से अच्छे हो गए हैं और वो कुछ मामलात पर एशियन कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मगरबी दुनिया, अमेरिकन इंपेरियलिज्म, दे डज नॉट हैव एनी थ्रेट फॉर द पीपल ऑफ एशिया। अब एशिया के लोगों के लिए इनसे कोई खतरा नहीं, क्योंकि अब जो है वो एशिया के लोग आज़ाद हो गए हैं, वो खुद मुख्तार हो गए हैं। अब एशियन कंट्रीज जो है दे कैन डेवलप फ्रीली, आजादी से वो तरक्की कर सकते। देयर इज ओनली वन इंपेरियलिज्म व्हिच नाउ ऑफर्स एनी मीनस टू एशिया, इट इज दैट ऑफ रशिया। एक ऐसी सल्तनत है जिससे एशिया को खतरा हो सकता है। वैसे एशिया को मगरबी ममालिक से अब कोई खतरा नहीं है, अमेरिका से कोई खतरा नहीं है। हाँ, एक इंपेरियलिज्म है एशिया जिससे रशिया से एशिया को खतरा हो सकता है। द ट्रेडिशंस ऑफ सिविलाइजेशन इन एशिया आर एंशिएंट एंड ग्लोरियस। जो तहजीब है, जो रस्म रिवाज है, एशिया के लोगों के बहुत कदीम है और बहुत शानदार हैं। अब हमारा मजहब देख लें, 1400 साल हो गए उसको फॉलो करते हुए, मुसलमान इसको फॉलो करते हैं, 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। इसके अलावा चाइनीज जो है उनकी एक प्रॉपर जो है वो सल्तनत है कायम यहाँ पर। सो वी हैव ओल्ड सिविलाइजेशंस एंड वी हैव ग्लोरियस कल्चर। हमारी ट्रेडिशंस, हमारी सिविलाइजेशन बहुत अच्छी हैं। आई डू नॉट विश टू सी देम वाइप्ड आउट एज आई फियर इज हैपनिंग इन चाइना बाय अ डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ऑथर कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि उन तहजीब को, उन सिविलाइजेशन को खत्म हो जाना चाहिए जैसे चाइना में हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में, कि हमें दूसरी कंट्रीज के कल्चर नहीं फॉलो करने, हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना है, हमें अपने आप में रहना है, अपनी आइडेंटिटी में रहना है। कम्युनिज्म, दो इट इज नॉट वाइडली रिकग्नाइज्ड आइदर इन द ईस्ट और इन द वेस्ट, इज मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट विरुलेंट फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इंपेरियलिज्म। वेस्टर्न इंपेरियलिज्म में, मगरबी सल्तनत में एक और चीज है जिसको कम्युनिज्म कहा जाता है, हालांकि वो इतनी ज्यादा प्रमोट नहीं की जाती। कम्युनिज्म में जो है ना वो बेनिफिट्स यानी जो शेयर हैं वो सबको जो है वो इक्वली डिवाइड किए जाते हैं। जो मिनरल्स हैं, जो माइंस हैं, उसके जो शेयर आते हैं, जो प्रॉफिट होता है, वो सल्तनत के लोगों में जो है ना वो डिवाइड किया जाता है। इस पे बहुत सारे लोगों के एतराजात हैं, कुछ ममालिक में, कुछ कंट्रीज में इसको जो है वो अहमियत नहीं दी जाती। सो इट इज फिलोसफी इज जर्मन एंड इट्स रिजाइम इज इम्पोज बाय मिलिट्री फोर्स। ये एक जर्मन फिलोसफी है और ताकत के बलबूते पर इसको जो इस पर अमल कराया जाता है। If the reawakening of Asia were to take the form of subjection to communism, there would be little in it that could be welcomed by any friend of humanity or civilization. अगर एशिया के लोगों में कम्युनिज्म को फरोख दिया, उन्होंने जो है वो इक्वल सिस्टम को, कि भाई जो सरमाया है वो आवाम के हाथ में रहेगा, या जो मिनरल्स हैं उसका जो प्रॉफिट्स होगा वो लोगों में, जितने लोग हैं उनमें इक्वली डिवाइड किया जाएगा। So that would not be suitable for the growth of a country. एक मुल्क को चलाने के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए ये चीज़ें जो है वो suitable नहीं होंगी, और इसको मगरब के लोग भी, मगरब के ममालिक भी और एशिया के ममालिक भी, वो they are not going to support it. What then should be an enlightened and impartial spectator hope as regards to development of Asia? फिर एशिया के ममालिक को अब क्या करना चाहिए? अगर उन्हें तरक्की करना हो, अगर उन्हें आगे बढ़ना हो, अगर दुनिया में अपना नाम बनाना हो,
तो फिर किस तरह से जो है वो उन्हें तरक्की मिलेगी. देयर आर सम थिंग्स विच दो इन मेनी वेज रिग्रेटेबल इट इज नेसेसरी टू एक्सेप्ट एज कंडीशन ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न वर्ल्ड. बहुत सारी ऐसी चीजें अगरचे उसके नुकसान होते हैं लेकिन आजकल के दौर में उसको सर्वाइव करना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. हर चीज के फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं लेकिन हम अपने ममालिक में देखते हैं कि हम तरक्की के लिए डेवलपमेंट के लिए कामयाबी के लिए हमें क्या चीजें जरूरी हैं. फॉर एग्जाम्पल ही सेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज इज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म. सबसे अहम होता है कि आप इंडस्ट्रियल जोन बन जाए. अब अपने कंट्रीज में अपने ममालिक में इंडस्ट्रीज लगाएं. अब हमारी गवर्नमेंट जो भी काम करती है डेवलपमेंट के लिए तरक्की के लिए उसके जो है वो बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं. अभी हमने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया. शुरू तो हो गया ख़त्म नहीं हो रहा. वो हमने अपना अल्लाह भला करे सरजानी टाउन से लेकर और ये नुमाइश तक एक प्रोजेक्ट बना दिया हमने ग्रीन लाइन के नाम पर. ग्रीन लाइन उसको इसलिए कहा गया कि वो उसके नीचे जो है ना वो सारे दरख्तों की एक लाइन थी हमने सब काट दी है. हजारों दरख्त काट दिए गए. 50,000 से ज्यादा दरख्त काटे गए और उसके ऊपर जो है ना वो ये प्रोजेक्ट बना दिया गया. बहुत सारा इस पर एहतजाज हुआ कि जनाब ये इतने सारे दरख्त थे ग्रीनरी खत्म कर दी और इससे जो है वो आलूदगी होगी और पोल्यूशन होगी और जो है वो आबो हवा खराब हो जाएगी. बट दैट वॉज इन फेवर ऑफ द पब्लिक. जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था वो पब्लिक के फेवर में था. सो ऑल्दो इट वॉज समहाउ इट वॉज रिग्रेटेबल बट इट वॉज नेसेसरी एज द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल. जो हमारे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है बस उस पर चल जाए. ग्रीन लाइन चल ही नहीं है वो सिर्फ रोड बना के छोड़ा हुआ. लेकिन वो अगर प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो मुल्क के फायदे के लिए. इसी तरह से आपके मुल्क में अगर उसको तरक्की देनी है तो कम्युनिज्म से बेहतर तरीका ये है कि आप इंडस्ट्रीज को फरोग दें. आप इंडस्ट्रीज पर जो है उसकी अहमियत को समझें. इंडस्ट्रियलिज्म आपके मुल्क को इंडस्ट्रियल जोन आना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. बदकिस्मती हमारी ये है कि पाकिस्तान हमारा एक ज़रई मुल्क है. ज़रात पर हमारा सारा इन्हिसार है. हमने इंडस्ट्रीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया. हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं फैसलाबाद में हैं. कपड़े की इंडस्ट्री है बहुत अभी दोबारा से फ्लोरिश होना शुरू हो गई है. बहुत सारे ऑर्डर्स उसमें आ रहे हैं क्योंकि ये जो कोरोना की सूरत हाल हुई है इसकी वजह से वहाँ की फैक्ट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा हुआ है. क्योंकि वो जो कपड़े के ऑर्डर्स थे जो इंडिया में और बांग्लादेश में जाते थे अब चूंकि वहाँ हालात सही नहीं है तो ज़्यादातर ऑर्डर्स जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं. सो दैट इज़ वॉट. आपके पास इंडस्ट्रीज हैं तो आपने तरक्की करना शुरू कर दी है. जब आपके मुल्क में इंडस्ट्रीज होंगी आपके मुल्क के लोगों को रोज़गार मिलेगा. अब आम खुशहाल